हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, अभी आप सब लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसके अंदर जो जॉयस्टिक है हमारा एक्सबॉक्स का, और या फिर आपके पास कोई दूसरा भी जॉयस्टिक है तो वो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नॉट नेसेसरी एक्सबॉक्स का ही हो, आपके पास कोई भी जॉयस्टिक है तो आप उसको कोई भी गेमिंग के साथ कैसे कंपेटेबल कर सकते हो, कैसे उसको चला सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो को वही बताने वाला हूँ। पहले मैंने भी आप लोगों की तरह 1000 वीडियो देखी, एक भी वीडियो में सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे, एक भी वीडियो में। मतलब इरज कोड जो अभी आप ज़्यादातर लोग ढूंढ रहे हो, इरज 002 जो आ रहा है या फिर 122 इरज आ रहा है, तो उसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है, आपका हो ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब जॉयस्टिक कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, क्यों आ रहा है इरर, तो सबका सॉल्यूशन दूंगा। जितने भी इरर आ रहे हैं सबके सॉल्यूशन देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके नहीं दिखाने वाला हूँ, प्रॉपर कैमरे से ही दिखाऊंगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना और हर एक पॉइंट टू पॉइंट मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अभी देखिए, ये वाला ना मेरे पास एक्सबॉक्स का है, जो कुछ लोगों को मैं एक और चीज क्लियर करने देना चाहता हूँ। अभी एक्सबॉक्स में क्या लिखा रहता है, यहाँ पर लिखा रहता है XUX, मतलब एक्सबॉक्स का ये अपना जॉयस्टिक है, ठीक है। ये टाइप का जो भी आता है वो एक्सबॉक्स का जॉयस्टिक आता है, ठीक है। ये हमारा जॉयस्टिक होता है, इसको मैंने पूरे दिन लगा दिया, कनेक्ट नहीं हुआ। मैंने वीडियो यूट्यूब पे इतने देख लिए ना, सब वीडियो देख लिए, बट मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। इधर 122 भी आ रहा है बार बार, दिक्कत कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरा जो पीसी है, जो लैपटॉप है, वो है 64 बिट्स का। कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा पास आ जाओ, मैं दिखा देता हूँ। तो चलो दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर आएगा इसकी वजह से, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये आपका हो गया सिस्टम। सिस्टम पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इस तरीके से आप इसको चेक करते हैं। यहाँ पर आप सेटिंग में चले जाओगे, यहाँ पर सर्च बार में जाओ, यहाँ पर लिखो SYR सिस्टम। सिस्टम में आप जाना है, सिस्टम में जाके अबाउट में चेक करना है कि आपका बीट कौन सा। देखो 64 बीट लिखा हुआ है ना, तो मतलब आपका जो पीसी हो 64 बीट का, 99% जितने भी अब 64 बीट के करें, और GTA 5 या फिर कोई भी गेमिंग में, GTA 5 में आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी गेमिंग में ये जॉयस्टिक आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए देखो, अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखे होंगे ना, मैंने भी वो सारे कारनामे कर रखे हैं। देखो ये स्टीम मुझे काफ़ी वीडियो में ये दिखाया गया कि स्टीम डाउनलोड कर दो, सही है, मतलब कनेक्ट हो जाएगा जॉयस्टिक वगैरह, ये सब चलने दे, ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। जो स्टीम क्या करता है, खाली आपको लाइव जाने के लिए सपोर्ट करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करता। स्टीम आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको सेकेंड पॉइंट जो आपकी मैं बात करूँगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मेरा पॉइंट छूट गया था, ये जॉयस्टिक है, ठीक है। ये जॉयस्टिक में ना थोड़ा सा रस्ट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर रस्ट लगा हुआ है। ये रस्ट की वजह से क्या हुआ था पता है, कनेक्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था वो कंफर्म नहीं हो रहा था। यहाँ पर तो दिखा रहा है कनेक्ट हो रहा है, पर यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था। तो मैं क्या कर देता हूँ, अभी इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कनेक्ट कर दिया, ओके। तो अभी अपने को क्या जाना है, सिंपल है, हम जाएंगे सेटिंग में चले जाते हैं। सबसे पहले सेटिंग में जाते हैं, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर देखो, आपको देखने को एक चीज़ देखने को मिलेगी, वो है ब्लूटूथ एंड डिवाइस। ब्लूटूथ एंड डिवाइस पे आप क्लिक कर लो, तो वहाँ पर आपको दिखने को मिलेगा ऐड डिवाइस, ठीक है। ये डिवाइस पे हमने क्लिक कर दिया, ऐड डिवाइस में आपको अभी यहाँ पर देखो, ये देखो XUX गेम पैड, ये पहले नहीं था, ये XUX गेम पैड नहीं था, जस्ट एक कनेक्टिंग था, एक जॉयस्टिक आ जाता था, कभी कुछ और आ जाता था या फिर गेम पैड आ जाता था। मतलब ये जो मॉडल नंबर अभी लिखा है SL6556BK, ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो अब वो करना कैसे वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इसकी एक सेफ्टी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि इसका एक एप्लीकेशन आता है जॉयस्टिक का, मतलब 90% डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप करो तो ठीक है, मतलब वेल एंड गुड, नॉट मैंडेटरी। ये देखो यहाँ पर ये वाला एप्लीकेशन है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। इसका नाम जो है सिंपली चेक, मतलब जस्ट चेक करेगा कि जॉयस्टिक की कंडीशन क्या है, उसके अलावा और कुछ नहीं करने वाला है। तो नॉट मैंडेटरी, आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब कनेक्ट नहीं हो रहा था, मैंने भी बहुत कोशिश किया, ठीक है। 64 बिट्स का है, वीडियो देख लिए ना यूट्यूब पे बहुत सारे, अब मैं बताता हूँ सेम प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ये देखो, मैं खुद ढूंढ रहा था, आप देख रहे हो सॉल्यूशन है ही नहीं इनके पास, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करो। ये देखो, ये भी मैंने ढूंढा था, ठीक है। इसके 3-4 वर्जन है, वो भी मैंने देखा, उधर भी नहीं हुआ, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सिंपल सा है, हम सर्च करेंगे X360, तो हमें सर्च करना है X360C। जो पहली वाली वेबसाइट है ना, वो ओरिजिनल वेबसाइट है, ठीक है। तो उस पर हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेयर है। अभी आप बोलोगे मेरा तो 64 बिट है, मुझे तो पहले से बताया, तो मैं क्या करता हूँ 64 बिट डाउनलोड कर देता हूँ। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 32 बिट का भी है, वो भी मत करो। सबसे बेटर है डाउनलोड फॉर ऑल गेम्स, सबसे बेस्ट है। न्यू आया है, लेटेस्ट वर्जन है 4.17.15, ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है।
ये 2020 का लास्ट अपडेटेड है, ये सबसे अच्छा है, मतलब इसमें सारे गेम का हो जाएगा आपका, पुराना नया ए टू जेड सबका हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा, मैंने इसके बहुत सारे वेरियंट डाउनलोड करके रखे थे। तो मैं आपको देखो 64 भी आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन में देख पा रहे होगी कि 64 भी मैंने डाउनलोड करके रखा था, ठीक है, ये भी डाउनलोड करके रखा है, ये भी मैंने डाउनलोड करके रखा है 2020। तो आपको बता देता हूँ ये वाला जो है वो मतलब ऑल इन वन वाला है, ठीक है, मतलब दोनों आ जाते हैं। और ये सब मैंने बहुत कुछ डाउनलोड किया था यार चालू करने के लिए, सोच लो। अब कुछ नहीं, इसको ओपन कर लेते, नॉर्मली ओपन करना है आप इसको। इसको क्या करना है, आपको यहाँ पर कंट्रोल से ही अपन कॉपी मार देंगे, ठीक है। अभी लोग क्या दिखा रहे कि गेम के फाइल लोकेशन में जाके इसको पेस्ट करना, नहीं जरूरी है भाई, ये प्रॉपर इंस्टॉल होगा, समझो, प्रॉपर इंस्टॉल होगा, कोई जरूरत नहीं है गेम के फाइल लोकेशन पे जाके, ठीक है। तो हम यहाँ पर भी पेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एक फोल्डर बना देता हूँ, ठीक है, वो ठीक है, आप डेस्कटॉप पे डायरेक्ट पेस्ट करो, नो वरी, ठीक है। ये मैंने मार दिया कंट्रोल भी, ठीक है, तो पेस्ट हो गया। अब इसको हम राइट क्लिक करके एज एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे। अब देखो मेरा थोड़ा सा क्या है कि पहले से कनेक्टेड है तो डायरेक्ट ये दिखाएगा कि कनेक्टेड है, ठीक है, आई थिंक सो, ओके, ठीक है, ओके, दिखा ही नहीं रहा है, ठीक है, मेरा भी कनेक्टेड नहीं दिखा रहा, शायद ये नया वाला लिया है इसकी वजह से नहीं दिखा रहा। मैं आपको अच्छी बात है शुरू से बता, देखो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें करना है, ठीक है, घाई नहीं करनी है। सबसे पहले आप क्या करोगे, गेम्स में जाओ, ठीक है, गेम्स में जाके जितने भी 64 बीट लिखे हैं ना सब पे टिक कर दो, ठीक है, ये वाले पे भी टिक कर देना, ठीक है। उस सेकंड पॉइंट, ये जो GTA 5 जो लिखा हुआ है यहाँ पर, देखो आपका ये आएगा X360C, तो ये नहीं करना है आपको, GTA 5 ये करना। अगर मान लो कि आपको GTA 5 नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ कैसे आएगा, डिफ फाइल पे जाना है और जहाँ आपने GTA 5 इंस्टॉल किया है, ठीक है, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया है तो इसके अंदर चलेगा ना, बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको ओपन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ओपन पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये लोकेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है, ये मेरी एक्यूरेट लोकेशन है, 64 बिट का है, ये GTA 5 आ गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका क्लियर हो गया, मतलब ये अगर नहीं आ रहा है तो आप ऐड गेम पे करके ये यहाँ पर लेके आ सकते हो, यहाँ पर टिक कर देना, ठीक है। अभी आपको 360 पे टिक नहीं करना, इस पे टिक करना है, ठीक है, सेकंड चीज होगी। उसके अलावा एक और चीज देख उठा लेता हूँ, ये वाला जो स्क्रीन है एज इट इज आपका होना चाहिए, थोड़ा सा देख लो यार, एज इट इज होना चाहिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना, सेम टू सेम दिखना चाहिए, ठीक है। अब डायरेक्ट हम कंट्रोलर में जाएंगे, ठीक है, कंट्रोलर आप बोलो यार को समझ नहीं, ये दोनों टिक मार दो, सबसे पहले ये दोनों टिक मार दोगे तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अब उसके अलावा क्या करना है, आपको ऐड पे क्लिक कर देना है, ऐड पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपका कंट्रोलर कनेक्टेड है। अब ये जितने भी है ना माउस कीबोर्ड, ये भी मतलब एक्सटर्नल पार्ट है ना, लैपटॉप है तो क्या वो एक्सटर्नल पार्ट है, तो वो भी ऐड किए हुए हैं, ठीक है, वो भी दिखा रहा है, ये आपका गेमिंग का दिखा रहा है, ठीक है, ये XUX, ये भी कंट्रोलर है, ये भी कंट्रोलर है, ठीक है, दोनों एक ही कंट्रोलर है, अलग अलग नहीं, आप दोनों में से कोई भी एक आएगा, बट जो कनेक्टेड यहाँ पर दिखा रहा है इस लाइन में, ठीक है, तो अभी ये कनेक्टेड है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको कर लेते हैं ऐड सेलेक्टेड कर दूंगा, ऐड सेलेक्टेड होते खुल गया, खुलने के बाद कुछ नहीं, ये सब भरना नहीं है अपने को, ऑटो पे डाल देना है, यस डाल देना है, ठीक है, ऑटो पे डालते सब कुछ आएगा। अभी आप देखो इसको मूवमेंट करवा के देखो, ठीक है, आपके बटन चलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ना, मतलब कॉर्नर पे, ये देखो मूवमेंट हो गया, ठीक है, मूवमेंट हो गया, तो अब सेव ऑल कर दो, समझ रहे, सेव ऑल कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा आपके गेम में, ठीक है। मान लो कभी केस में नहीं होता है तो एक और दूसरी चीज मैं बताता हूँ, ये देखो आपका गेम का ये वाला लोकेशन है ना, ये वाले लोकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ पर GTA 5 डाल देना, ठीक है, और वन सेकेंड ऑटो पे डाल देना और सेव ऑल पे क्लिक कर देना, 100% हो जाएगा, ठीक है। ये जितने भी एरर भी आ रहे हैं ना, एरर वालों के लिए बोल रहा हूँ, ये वाला ऐप ही डाउनलोड करना, 64 वाला करोगे ना नहीं होगा, कुछ भी हो जाए नहीं होगा, ठीक है, नॉट मैंडेटरी कि आपको उसके फाइल लोकेशन पे ही ये पेस्ट करना है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है, हाँ मतलब प्रॉपरली जहाँ पर अपना इंस्टॉल हुआ रहता है वहाँ होगा, ठीक है। अब चालू कर दो GTA, ठीक है, मैं बाकी सब चीज़ें बंद कर लेता हूँ क्योंकि मैंने ये सब कर रखे हैं, ठीक है, मैंने पूरा आप लोगों के लिए सही बता रहा हूँ दोस्तों, एक दिन पूरा लगाया है तो उतने लाइक शेयर और सब्सक्राइब मुझे चाहिए, मतलब आप लोगों से पूरा एक दिन मैंने वेस्ट किया खाली इस चीज़ को क्लियर आउट करने के लिए, ये होता कैसे, ठीक है। अभी मेरा GTA 5 है, इसको मैं चालू कर लेता हूँ। अगर इन केस ऑफ इसके ड्यूरेशन के बीच में आपके पास GTA 5 में कोई एरर आया, ठीक है, तो कोशिश करना
मतलब ये उस केस का बता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं रहा हूँ कि फाइल लोकेशन पे जाके पेस्ट करो। अगर किसी ने मान लो फाइल लोकेशन पे पेस्ट किया और कोई इधर आ रहा है, तो ये फाइल जो दिख रही है GTA की, ठीक है, उसको रन एज एडमिनिस्ट्रेशन चला देना, वो चालू सही से होना शुरू हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर तो भी नहीं होता है, तो भी कोई इधर आता है, गेम नहीं चालू है, तो वो फाइल लोकेशन में जाके जो आपने कॉपी पेस्ट किया था बाकी वीडियो देख के वो डिलीट कर देना, ठीक है। मेरे वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है, तो इधर आने का कोई चांसेस नहीं, ठीक है। तो पहले इसको गेम को अपन चालू होने देते हैं। हाँ, लगता है माउस हिल गया, इसलिए हाफ स्क्रीन आई, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा ये स्क्रीन हाफ आ गई है, मतलब कोई टच हो जाता है माउस वगैरह तो हाफ स्क्रीन आ जाती है कभी कभार, 90% नहीं आती है, ठीक है। यानी वैसे अब सेकंड जो GTA 5 वालों के लिए इम्पोर्टेंट था, चाहे आपका जॉयस्टिक हो, हाँ कोई भी जॉयस्टिक, नॉट मैंडेटरी कि कौन सा होना चाहिए, आपका ये एक्सबॉक्स का हो या फिर नॉर्मल कोई भी हो, उसके इसमें ये 100% वर्क करेगा। तो देखो अभी दोस्तों, अभी भी मेरा जॉयस्टिक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मैं कनेक्ट कर दिया, वायर वायर सब कनेक्ट कर दिया। तो आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है, बैक जाएंगे, ठीक है, सेटिंग में जाएंगे, गेम पैड पे क्लिक करना है, याद रख लो, ठीक है। एरो मतलब एंटर मारा तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। एरो मार के सबसे नीचे जाना, सबसे नीचे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर रिस्टोर डिफॉल्ट लिखा है, वहाँ पर नहीं। तो हमें ना गेम पैड कैलिब्रेशन पे क्लिक करना है, कैलिब्रेशन पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह की, तो प्रेस एनी की, ठीक है, तो कोई भी की दबा दिया तो ये एक्टिवेट हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर लिखा है एक्स दबा, वाई दबा, एल बी क्या होता है, अपर साइड, ये नीचे वाला, ये राइट ऊपर वाला, ये राइट नीचे वाला, स्टॉप, और ये ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट, ठीक है। इसको अभी क्या करना है, अपने को सेंटर बटन दबाना, प्रेस लिखा है, ठीक है, नाउ अप नाउ राइट, ठीक है, इसमें भी सिर्फ सेंटर बटन दबाना है, ठीक है। अब नाउ अप नाउ राइट, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ए को होल्ड करके रखोगे, ठीक है, तो आप बोलोगे ए कौन सा है, तो ये वाला, ए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ना, एग्जैक्टली आपके वो अजम्पशन कर लो, ए को होल्ड करोगे तो ये सेटिंग सेव होगी, और बी को होल्ड करके रखोगे ये सेटिंग सेव नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ ओके, सॉरी मैंने बी को होल्ड कर दिया, आई थिंक सो, ओके सॉरी, ये मेरी सेटिंग गड़बड़ी हो गई है, होल्ड इट बी, ठीक है, ए बी एक्स वाई, ये सब बटन को क्लियर कर रहा है कि आप बटन कौन सा वही प्रेस कर रहे हो, मतलब इसको खुद को नहीं पता रहता कि आप कौन सा बटन प्रेस कर रहे हो। आप यहाँ से कुछ उल्टा कमांड दोगे, वहाँ पर वो उल्टा कमांड ले लेगा, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये फिर से मैंने वो सेटिंग कर दिया है, ठीक है, अप डाउन लेफ्ट राइट, प्रेस बटन अप, ओके, नाउ अगेन प्रेस अप राइट, ठीक है, नाउ प्रेसिंग द ए, अभी देखो अभी ये दबा रहा हूँ, वो मेरा सेटिंग बटन उल्टा हो गया था इसकी वजह से, उसमें ये हो गया। अब देखो हो रहा है ना, यहीं से कर रहा हूँ भाई, माउस वाउस नहीं छू रहा हूँ। अब देखो बोलोगे भाई गेम चला के दिखा, पहले गेम चला के भी दिखा, पूरा एक दिन लगा इसमें सीखने के लिए, ठीक है, ले गया गाड़ी में, बैठा बैठ गया ना, ठीक है। और एक्सेलेटर देखो, ये देखो एक्सेलेटर, इसमें एक चीज, ये पता नहीं किस दोनों का फोन आ गया। Hey, who did? It's Antonia Bettino. You know, the girl who nearly attended her own funeral out at Toledo Bay. Oh shit, how can I forget? My dad wanted to make sure you were looked after. Now there's some money being wired to your account right now. Now I gotta get off the line. Thank you again. इसमें एक अच्छी चीज क्या पता है, इसमें वाइब्रेशन भी होता है, मतलब ये देखो नाउ इट्स वाइब्रेशन है। अभी ये क्या होगा, जैसे आप झटके वाला टन लोगे ना, तो ये ऐसे वाइब्रेट कर लेता है, जैसे कि हमें करंट लग रहा है, ठीक है। तो ये वाइब्रेशन मोड मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तो मतलब जॉयस्टिक से खेलने में काफ़ी इजी लगता है, क्योंकि ये प्रॉपर गेम का है, तो वो चीज़ होते। सो गाइस, आपके सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं इस वीडियो को, और अच्छे से मतलब सारे सॉल्यूशन इसी में मिलेंगे, ठीक है। बाकी दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी आपको दिक्कत होती है फिर भी कमेंट कर सकते हो, उसके बावजूद भी आपको नहीं समझ में आता है तो मुझे मेल कर दो, ठीक है। मेल कर दूंगा तो मैं आपको राइटिंग में आंसर कर पाऊंगा, अदरवाइज अगर आप मेल नहीं करते हो तो फिर मैं आपके लिए सेकंड वीडियो फिर से बनाऊंगा कि आपकी दिक्कत क्या आ रही है। बट वो दिक्कत के लिए आप अपना स्क्रीन का रिकॉर्डिंग करके मुझे मेल करना।
तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, ठीक है। वो चीज़ ये थी कि पहली बात, आपका जब भी जॉयस्टिक कॉन्फ्लिक हो रहा है तो इसकी जो रेड लाइट है वो आनी ही चाहिए, फिर चालू होने के बाद बंद हो जाएगी तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है ये देखिए, यहाँ पर ना मतलब बेसिकली अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो ठीक है, अगर मेरी तरफ फर्स्ट टाइम लिए हो तो यहाँ पर एक्स लिखा है, एक्स का मतलब ये होता है जॉयस्टिक, ठीक है, और यहाँ पर डी लिखा हुआ है, डी का मतलब होता है मतलब विंडोज़ वगैरह ऐसे इस केस में। तो हमें ये डी के साइड में रखना है, ये जो है डी के साइड में रख देना है और ये एक्स बॉक्स की तरफ नहीं रखना है, एक्स मतलब एक्स बॉक्स, ठीक है। तो एक्स बॉक्स जो आता है उसमें वो कहने के लिए रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।